यही रात अंतिम, यही रात भारी। नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न सियासी दलों से टिकट लेने के इच्छुक भावी उम्मीदवारों पर शनिवार की रात भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पहले नवरात्र के दिन सभी सियासी दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों की टिकटें घोषित करनी अपेक्षित हैं। ऐसे में उम्मीदवार जो श्राद्ध की वजह से अभी तक खामोश बैठे थे, उन्हें नवरात्र के रविवार की पहली सुबह बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि धड़कते दिलों से उन्हें यही सुनाई पड़ रहा है कि उन्हें टिकट मिलेगी। लेकिन तत्काल ही अनिश्चय की आशंका भी वे घिर जाते हैं जब उन्हें लगता है कि शायद वे टिकट के लायक ना समझ पाए। इस स्थिति से गुजरते हाई व लो ब्लड प्रेशर, शुगर व हार्ट के मरीजों पर उनके परिजन सूक्ष्म निगाह रखे हुए हैं। डर स्वाभाविक है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि टिकट के इंतजार में उम्मीदवारों के मिजाज ही ना बिगड़ जाए। स्मरण रहे कि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी पहले नवरात्र को टिकट देने की घोषणा की थी। वहीं इनेलो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी पहले नवरात्र के दिन ही टिकटों की घोषणा करने वाले हैं। भले ही प्रथम सूची आए, लेकिन टिकट सूची में किन के नाम हैं किन के नहीं, यही बात टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों को भीतर ही भीतर खाई जा रही है। जहाँ वे मंदिर, गुरुद्वारे और दरगाह में मन्नतें मांग रहे हैं, वहीं ज्योतिषियों व मौलवियों से भी धागे बनवा रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने का पहला पायदान टिकट प्राप्त करना है। इसलिए पहली लड़ाई जीतना हर किसी के भाग्य में नहीं होता और उनकी किस्मत की परीक्षा का नतीजा निश्चित रूप से रविवार की सुबह आएगा, जब उनके आका टिकटों की सूची मीडिया में जारी करेंगे। जाहिर है शनिवार की है अमावस्या की रात, जाग कर कटने वाली है। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.